हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स एक बहुत ही खूबसूरत सी और बहुत ही सिंपल और इजी सी डिज़ाइन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन किसी भी तरह के स्वेटर में डाल सकते हैं, लेडी स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, ये सभी में डिज़ाइन बहुत अच्छी लगेगी। ये दो रंगों की डिज़ाइन है, इसे मल्टी कलर में भी इसको डाला जा सकता है, कई कलर में भी हम इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स ये लेडीज़ कार्डिगन, पुलोवर, शर्ट किसी में भी इस डिज़ाइन को डालेंगे स्वेटर बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। जेंट्स में भी इस डिज़ाइन को डालेंगे तो बहुत ही स्वेटर बन के अच्छा तैयार होगा, क्योंकि ये बहुत ही सोबर सी डिज़ाइन है। बस कलर थोड़ा सा जेंट्स के हिसाब से चूज़ करना पड़ेगा कि ये थोड़ा सोबर कलर में अगर इस डिज़ाइन को बनाया जाएगा तो डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये बैक साइड से देखिए इस तरह से है और ये फ्रंट साइड ये है। तो फ्रेंड्स हम लोग इस डिज़ाइन को आज हम बनाते हैं, आप देखिए कैसे बनती है। बहुत इजी सी डिज़ाइन है ये, 10 फंदों में और 4 सिलाइयों में बनने वाली डिज़ाइन है। इसी को बार बार रिपीट करना है और जितने कलर चाहें उतने कलर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने सिलाई पे फंदे डाल लिए हैं और 3 सिलाई मैंने सीधी सीधी बुन ली है। और उसके बाद अब देखिए सबसे पहले हमें इसे कलर चेंज करना है, तो उसके लिए हमने कलर लगा के डिज़ाइन हमें बनाना स्टार्ट करना है। तो सिलाई में हम सबसे पहले कलर को के लूप को फंसा के एक फंदा सीधा बुन लेते हैं, फिर एक फंदा और सीधा बुनेंगे। 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए। हम देखिए हम डिज़ाइन स्टार्ट कर दे रहे हैं तो उसके लिए हमें फंदे को ट्विस्ट करना है। तो सबसे पहले ये देखिए हमें फंदों को कैसे ट्विस्ट करना है। तो ये 2 फंदे को सिलाई पे हम इस तरह से उतारेंगे और फंदों को पीछे के फंदे को हमें आगे लाना है, आगे के फंदे को पीछे ले जाना है। तो इस तरह से ये देखिए हम इसका तरीका देखिए कि किस तरह से आगे के फंदे को पीछे ले जाना है, पीछे के फंदे को आगे ले जाना है। और जो हम आगे के फंदे को पीछे ले गए हैं उसे बुन लिया सीधा, और फिर उसके बाद फिर 3 फंदे और सीधे बुने। फिर अब इधर भी हमें 3 फंदे को दूसरे फंदे को बैक लूप से बुन लेते हैं और इसे आगे के फंदे को सिलाई पे चढ़ा लेंगे। फिर इसको फिर 2 फंदे हम फिर से बुनेंगे दूसरे कलर से। फिर हमें फंदों को इस तरह से ट्विस्ट करके आगे लाना है और बिना बुने चढ़ा लेना सिलाई पे, और दूसरा फंदा बैक लूप से बुन लेंगे। फिर 2 फंदा और 3 फंदे और सीधे बुनेंगे। फिर इधर के 2 फंदे फिर से हमें बैक लूप से पीछे का पहले बुन लेंगे और आगे के फंदे को सिलाई पे बिना बुने चढ़ा लेंगे, और बीच में नीला कलर का फंदा जो है वो 5 है और एक फंदा बिना बुने हुए हैं। फिर भी उसके बाद 2 फंदे बिना बुने हो गए। और अब हम फिर से इसको फंदे को इधर उधर घुमाएंगे, एक फंदा आगे कर लेंगे बिना बुने और पीछे के फंदे को आगे के फंदे को पीछे से बैक लूप से बुन लेंगे। तो इस तरह से ये हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। इसकी फंदे को ट्विस्ट करना है और उसका तरीका बस देखना है आपको कि किस तरह से इसको घुमा के ट्विस्ट करना है और सिलाई पे चढ़ा लेना है बिना बुने हुए। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। और सेकंड रो में हमें उल्टा उल्टा बुनना है, लेकिन जो फंदे हमने बुने हैं उसे ही बुनना है, जो नहीं बुना है उसे उतारते हुए पूरी सिलाई बुन लेनी है। ये हमारी सेकंड रो है, जो फंदा हमने नहीं बुना है उसे बिना बुने उतार लेंगे। तो ये हमारी इस तरह से सिलाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो
फिर हम राइट साइड पे आ गए। ये तो ये हमारी दो सिलाइयाँ पूरी हो गई। अब अगली दो सिलाई भी फ्रेंड्स हमें इसी तरह से बुनना है, सीधा सीधा बुनना है, और जो फंदा हमने नहीं बुना है उसे बिना बुने उतार लेना है। उसे सबको ऐसे बिना बुने उतारते हुए बीच के पांच फंदे सीधे, फिर बिना बुने उतारा, फिर दो फंदा सीधा, फिर बिना बुने उतारा, फिर पांच फंदे सीधे, फिर बिना बुने उतारा। फिर दो फंदा सीधा, बिना बुने उतारा फंदा, फिर पांच फंदे सीधे, फिर बिना बुने एक फंदा उतार लेंगे और लास्ट के दो फंदे। तो ये हमारी इस तरह से डिज़ाइन बन गई। और उल्टा उल्टा भी हमें इसी तरह से बुनना है। तो चार सिलाई इसी तरह से हमें बुन के कंप्लीट करनी है। अब उल्टा उल्टा पूरा बुनेंगे सिलाई, बस बिना जो बुना फंदा है, जिसे नहीं बुना है उसे उसी तरह उतार लेंगे। फंदा स्लिप किया, फिर दो फंदे बुने, फिर फंदा स्लिप किया, फिर दो फंदे उल्टे बुने, पांच फंदे उल्टे बुने, फंदा स्लिप किया, फिर दो फंदे उल्टे बुने, फंदा स्लिप किया, फिर पांच फंदे उल्टे बुने, फंदा स्लिप किया, दो फंदा उल्टा, तो हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से ये हमारी चार रो कंप्लीट हो गई। ये चार रो कंप्लीट हो गई। अब हमें चार रो अब दूसरे कलर को हमें चेंज करना है और कलर बदल के हमें डिज़ाइन बनानी है। और सेम उसी तरह से बनाना है जैसे हमने अभी बनाया था फर्स्ट रो में। अब फंदा हमने बदल दिया कलर और दो फंदे सीधे बुन लिए दूसरे कलर से। अब ये देखिए इन दो फंदों को फिर से हमें ट्विस्ट करके आगे लाना है और एक फंदा आगे लाएंगे, पीछे के फंदे को हम आगे लाएंगे, आगे के फंदे को पीछे ले जाएंगे। तो इसको देखिए इस तरह से आगे के फंदे को हम पीछे से पीछे ले गए और आगे से वाले पीछे के फंदे को आगे से लाएं और उसको पीछे से बुन लिया। तो इस तरह से ये पांच फंदे हमने बुन लिए। अब इस तरफ के फंदे को भी देखिए हमें इसी तरह से करना है। चार फंदे बुनने हैं, पांचवा फंदा पीछे से आएगा तो ये पांच फंदे हो जाएंगे। तो ये देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे। इस फंदे को इस तरह से घुमा लेंगे, बैक लूप से ले आएंगे बुन, और फिर उसे बुन लेंगे बैक लूप से ही। फिर इसको हम सिलाई पे इस तरह से चढ़ा देंगे। फिर दो फंदे हम सीधा सीधा बुन लेंगे। अब फिर हमें इन फंदों को घुमाना है और देखिए हमें कैसे ट्विस्ट करना है। पीछे के फंदे आगे के फंदे को पीछे ले जाना है, पीछे के फंदे को आगे लाना है सामने की तरफ से। और एक इसको बिना बुने उतार लेना है, चढ़ा लेना है सिलाई पे, और दो फर्स्ट फंदे को बैक लूप से बुन लेना है। और फिर बाकी चार फंदे बुन लिए, फिर पांचवा फंदा हम छोड़ देंगे और हमें फिर से घुमा के पीछे के फंदे को आगे बैक लूप से बुन लेंगे और आगे के फंदे को इस तरह से सिलाई पे चढ़ा लेंगे। फिर दो फंदे बुन लेंगे, फिर पीछे के फंदे को आगे लाना है, आगे के फंदे को पीछे ले जाना है, पीछे के फंदे को आगे लाना है, आगे के फंदे को पीछे से ले जाके बैक लूप से बुन लेना है। तो इसी तरह से हमें बार बार करना है। एक साइड में हमें बैक लूप से आसानी से बुन जाता है और आगे का फंदा चढ़ा लेते हैं, एक साइड में हमें थोड़ा घुमा के बुनना पड़ता है। तो ये देखिए ये हमारे फंदे इस तरह से फंस जा रहे हैं। अब उल्टी सिलाई में हमें उसी तरह बुनना है कि जो फंदा हमने बुना है उसे हम बुन लेंगे और जो फंदा नहीं बुना है उसे स्लिप करते जाएंगे। बहुत ही आसान सी डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत। जो फंदे हमने नहीं बुने हैं
उसे स्लिप करते जाएंगे और जो फंदे बुने हैं उसे बुनते जाएंगे। अब ये हमारी दो सिलाई फिर सेकंड कलर की दो सिलाइयाँ हो गई। अब दो सिलाई अभी हमें क्रीम कलर से उसी तरह से बुनना है। जो फंदा हमने नहीं बुना है उसे स्लिप करते जाएंगे और दो फंदा अब बाकी बीच के सारे फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। जो बुने फंदे हैं उन्हें सीधा सीधा बुन लेना है और जो बिना बुना फंदा है उसे उतारते जाएंगे। इस तरह से सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी थर्ड रो दूसरी पैटर्न की थर्ड रो हो गई। और फोर्थ रो भी हमें उल्टा बुनना है पूरी सिलाई। जो फंदा हमने नहीं बुना है उसे स्लिप करते जाएंगे और जो फंदा बुना है उसे बुनते जाएंगे। अब ये हमारी सिलाई आठ सिलाइयों की डिज़ाइन हमारी बन के तैयार हो गई। अब फिर से कलर चेंज करेंगे और दूसरी डिज़ाइन बनाएंगे। तो अब नीले कलर से हम बनाएंगे डिज़ाइन कलर चेंज करके। तो दो फंदे हम पहले बुन लेंगे और फिर से हमें फंदों को ट्विस्ट करेंगे। अब पीछे के फंदे को आगे लाना है, आगे के फंदे को पीछे ले जाना है। तो ये देखिए इस तरह से ऐसे घुमा लेंगे और पीछे के आगे के फंदे को बैक लूप से बुन लेंगे। अब इधर देखिए पीछे के फंदे को बैक लूप से बुन लेंगे और आगे के फंदे को चढ़ा लेंगे। बैक लूप से बुन लेने में ज़्यादा आसानी होती है। बैक लूप से बुन लिया और आगे के फंदे को चढ़ा लिया बिना बुने। फिर दो फंदे बुन लिए। अब फिर इधर के फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। पीछे के फंदे को आगे लाना है, पीछे आगे की तरफ से, और पीछे पीछे ले जाना है। आगे के फंदे को बैक लूप से बुन लेना है। फिर बाकी के तीन फंदे और बुन लेंगे। फिर चौथे फंदे को पांचवें फंदे को रोके रहेंगे, फिर उसको भी ट्विस्ट कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमें बार बार फर्स्ट सिलाई में ये डिज़ाइन बनेगी। बाकी तीन सिलाई में हमें फंदों को स्लिप कर करके बुनना है। ये बैक लूप से पीछे से बुन लिया, फिर आगे के फंदे को सिलाई पे इस तरह से सीधे चढ़ा लिया और दो फंदे सीधे बुन लिए। तो ये देखिए ये हमारी इस तरह से डिज़ाइन बन गई। ये हमारी इस तरह से डिज़ाइन बन के तैयार हुई है। अब उल्टी सिलाई भी हम इसको बुन लेते हैं। जो फंदे हमने बुने हैं उसे बुनना है, जो स्लिप किए हैं उसे स्लिप करना है। बिना बुने फंदे को उतारते जाएंगे
आप बुने हुए फंदे को बुनते जाएंगे, तो इस तरह से हम पूरी सिलाई कर लेंगे कंप्लीट। अब ये देखिए, ये हमारी इस तरह से डिज़ाइन बन गई है। और दो सिलाई और बना लेंगे, उसके बाद फिर हम क्रीम कलर से फिर से डिज़ाइन बनाएंगे और इसी को बार बार रिपीट करते जाएंगे। इसके ऊपर अभी दो सिलाई और बनेगी, तब डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी और इसी को बार बार रिपीट करते जाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह से बन के तैयार हुई है। और बड़े में ये देखिए, जब ये कंप्लीट डिज़ाइन बनेगी तो वो ये इस तरह से दिखेगी। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को डिज़ाइन समझ में आ गई होगी कि किस तरह से बनेगी, और ये भी उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी डिज़ाइन। आप इसे ट्राई करिए अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे। इसे अगर बनाना हो दो कलर का स्वेटर, तो इसे आप ज़रूर इसे इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं, बहुत अच्छा बन के स्वेटर तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर किसी नए डिज़ाइन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक किया करें। आप लोगों का बहुत मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बहुत।